दोस्तों गेहूं की बुआई तो कर दी है, लेकिन अब दूसरी सिंचाई पर कौन सा खाद दें जिससे कि उपज में अधिक वृद्धि हो। यदि आप गेहूं की फसल में अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की साबित होने जा रही है, क्योंकि हमारे पास कई सारे किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने गेहूं की बुआई कर दी है, अब दूसरी सिंचाई चालू है, उसमें खाद देना है, तो कौन सा खाद दें जिससे कि उपज अधिक मिल जाए हमारे लिए। तो देखिए भाई, आपके लिए अधिक उपज लेना है तो ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा लास्ट तक, तभी आपको जानकारी अच्छे से समझ में आएगी, है कि नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों सबसे पहले तो आप स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला खेती किसानी बागवानी का लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। मन में जो भी डाउट है कमेंट करना, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे गेहूं में कौन सा खाद दें। देखिए हम आपके लिए बता देना चाहते हैं कि जो गेहूं की फसल है उसमें कुल चार तरह के पौष्टिक तत्वों की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पहला पोषक तत्व है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटास और चौथा है सल्फर। ये चार पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि गेहूं की फसल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यदि हमने इनमें से किसी एक को भी नहीं दिया है या फिर इनमें से किसी एक चीज की कमी है तो उपज में कमी आती है। अब इन्हें आप चाहे तो विटामिन्स कहें या प्रोटीन्स कहें या फिर पोषक तत्व कहें या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहें, जो भी जिस तरीके से समझना चाहे समझ लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। गेहूं की फसल में मात्र नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, इन चार चीजों की जरूरत होती है, इनके अलावा पांच भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई की थी तो डीएपी के साथ बुआई की थी, किसी ने एसएसपी मिलाकर बुआई की थी, मतलब कि सिंगल सुपर फास्फेट को मिलाकर बुआई की थी, और कुछ किसान भाइयों ने उसी समय सल्फर प्लस पोटास दोनों को मिलाकर बुआई कर दी थी। तो आपने क्या किया कि फास्फोरस, पोटास और सल्फर तीनों को बराबर मात्रा में देकर बुआई कर दी, मतलब तीन पोषक तत्व आपकी फसल को मिल गए। अब चौथे पोषक तत्व की क्या जरूरत है? नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा यूरिया की तरफ से। आप यूरिया दीजिए। यूरिया नहीं दे सकते तो फिर हमने जो वीडियो में बताया था एजेटोबैक्टर, घोलक, राहत या सुडोनामास, इस तरह की आप दवाओं का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। अब यदि आप चाहें दुकान वाले के पास जाएंगे जो खाद बीज बेचते हैं उनके पास जाएंगे और उनसे यदि कहें कि भाई गेहूं के फसल में अधिक उपज लेने के लिए कौन सा खाद दें, तो वो आपके लिए तमाम तरह की, कई तरह की अलग अलग दवा बता देंगे, खाद बता देंगे, ये दे दो इससे ऐसा हो जाएगा, वो दे दो उससे ऐसा हो जाएगा, जबकि होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि गेहूं के लिए जो जरूरत है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की जरूरत है। अब उसे आप एक्स्ट्रा खाना दोगे या एक्स्ट्रा और किसी खाद के माध्यम से वही चीज दोगे तो पैसा तो हमारा लगना है, इन्वेस्टमेंट किसान का होना है और फायदा दुकान वाले को होगा, और हमारे लिए तो फायदा उतना ही होगा जितना की जरूरत है, और फसल को जिस चीज की जरूरत है वही हम देंगे तो फसल को फायदा होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी फसल में अब पहली सिंचाई करने के बाद दूसरी सिंचाई करने जा रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन दे दीजिए। नाइट्रोजन यूरिया के फॉर्म में दे सकते हैं या फिर आप राहत, घोलक, सिडोनामास के रूप में भी दे सकते हैं। और यदि यूरिया की बात करें तो नीम कोटेड जो यूरिया है वो दीजिए, जो कि काफी अच्छा और असरदार है। कुछ किसान भाइयों का ये थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर दो तरह के यूरिया मार्केट में उपलब्ध है, एक छोटे दाने वाला, एक मोटे दाने वाला, कौन सा बेस्ट है। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि मोटे दाने वाला यूरिया जल्दी नहीं गल रहा है और बारीक दाने वाला जल्दी घुल जाता है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ओरिजिनल और लोकल कौन सा है। तो देखिए आपके लिए बता दें कि दोनों ही यूरिया खाद ओरिजिनल है। बारीक दाने वाला खाद भी ओरिजिनल है और मोटे दाने खाद वाला भी ओरिजिनल है। आप यदि मोटे दाने वाले खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो थोड़ा लेट घुलता है, उसमें भी 40% नाइट्रोजन रहती है, वो भी काम पूरा करता है। और यदि बारीक दाने वाला यूरिया लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी 40% नाइट्रोजन रहती है और वो थोड़ा जल्दी गल जाता है। बस अंतर इतना रहता है, यदि फसल में जल्दी से काम करवाना है तो बारीक दाने वाला ले आइए, यदि थोड़ा लेट करवाना है, मतलब धीरे धीरे असर करे यूरिया फसल को, तो फिर मोटे दाना वाला ले आइए। इस तरीके से ये दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही असरदार हैं और दोनों का प्राइस सेम रहता है। हाँ, लेकिन यदि जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है नीम कोटेड यूरिया,
वो लेकर आएंगे तो वो और काफी अच्छा इफेक्टिव होगा, असरदार होगा, उसका रिजल्ट और अच्छे शानदार आपको देखने को मिलेंगे। बस ये चार चीजें गेहूं में जरूरत पड़ती है, इनको दे दीजिए, आपकी फसल में उपज अधिक मिलेगी और अच्छी मिलेगी। यदि जिन किसान भाइयों ने सल्फर नहीं डाला था उस समय, तो वह अब ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं। 1 एकड़ में मात्र 10 केजी दे दीजिए, आपका काम चल जाएगा। और पोटाश नहीं डाला हो और आपको लग रहा है कि जरूरत है, तो फिर आप 8 से 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से पोटाश डाल सकते हैं। बस इतना कर दीजिए, और कुछ जरूरत नहीं है फालतू की चीजें डालने का, जिससे कि आपका पैसा बचेगा, मेहनत बचेगी, लागत बचेगी और आपको उपज अच्छी मिल जाएगी इसी में, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आपका डाउट नहीं रहा होगा। इसके अलावा भी कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है, या फिर किस तरह की जानकारी आप हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का जवाब तुरंत नहीं दे पाए तो परेशान ना होइए, आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाकर बहुत जल्द अपलोड कर देते हैं हम। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबाइए, ताकि आने वाला खेती किसानी बागवानी का नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके कि आप वाकई में यहाँ से कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की और भी हेल्पफुल जानकारी लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।